कॉन्टिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो टॉपिक है, ये बस इतनी सी बात बता रहा है। अगर मैं ये एग्जांपल ना लूँ, इसने एग्जांपल लिया कि आपके पास एक आई वन करंट एंटर कर रहा है और ये कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, और आई टू करंट बाहर जा रहा है। तो कह रहे हैं आई वन से आई टू करंट बाहर आ गया तो इसके अंदर क्या हुआ भाई, इसके अंदर तो कोई करंट होगा। तो उसने कहा कि यहाँ से यहाँ करंट डिस्प्लेस हो गया, ठीक, क्योंकि चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, फिर चार्ज मूव किया होगा, इलेक्ट्रॉन मूव किया और फिर कंडक्टर की बॉडी में घूम के बाहर आ गए। पर ये भी तो हो सकता है कि इसके अंदर जो चार्ज है वो इसके अंदर एक्युमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो फिर यहाँ करंट कम आएगा। और अगर कोई चार्ज इकट्ठा नहीं हुआ, सारे का सारा जो एंटर कर रहा है वो बाहर आ रहा है, तो चार्ज एंटरिंग पर सेकेंड, चार्ज कमिंग आउट पर सेकेंड सेम है, तो कॉन्टिन्यूटी सही है, कॉन्टिन्यूटी तो रहेगी। तो जैसे ही क्वेश्चन को कॉन्टिन्यूटी करते थे, ए वन वी वन ए टू वी टू, वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड, वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड सेम है, ऐसे कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट को चेक करना है कि क्या करंट कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। वैसे तो कॉन्टिन्यूस रहेगा, देखो जो भी करंट आएगा और चाहे कम भी जा रहा है रहेगा, बाकी करंट कहाँ गया, वो इसके अंदर आएगा, सिंपल है। और मैं प्रूव कर दूँ बाकी करंट इसके अंदर है तो कॉन्टिन्यूटी तो है ही है, इसका मतलब गायब नहीं हुआ मेरा करंट। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये चीज़ हम प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में कर चुके हैं। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के अंदर आई करंट आता था, आई करंट बाहर जाता था दूसरी प्लेट पे, फिर करंट गायब कहाँ हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था और फिर बाहर आता था, तो वो कॉन्टिन्यूटी ही थी। इसको भी इसने ऐसे ही किया, कह रहा है क्लोज सरफेस है, इसका वॉल्यूम है और ये कंडक्टर है, अगर कोई चार्ज अकुमुलेट नहीं होता वॉल्यूम के अंदर तो चार्ज एंटरिंग एंड लीविंग द वॉल्यूम पर सेकेंड रिमेन्स सेम, करंट सेम है, पर अगर चार्ज अकुमुलेट होता है तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। वो कहता है कॉन्टिन्यूटी ब्रेक इसलिए होती है कि करंट की वैल्यू आई वन से आई टू चेंज हो जाती है। तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं कि अगर हम उस करंट के साथ डिस्प्लेसमेंट करंट को भी कंसिडर कर दें तो फिर हम बोल सकते हैं कि करंट हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस। अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट मेंशन नहीं करेंगे फिर डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, पर ये बोलेंगे कि करंट कन्वर्ट हो गया बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में और फिर कंडक्शन करंट की फॉर्म में, फिर आप बोल सकते हो कि करंट कॉन्टिन्यूस है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए ऐसे करेंगे कि मान लो आई वन करंट एंटर करता है, आई टू करंट बाहर चला जाता है, कंडक्टर के अंदर कितना करंट है, डी क्यू बाय डी टी। तो आई वन करंट आया, आई टू बाहर गया, बाकी बचा हुआ करंट कहाँ पर है, कंडक्टर के पास है। अब गॉसला क्या कहता है कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया फ्लक्स, ये एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये देखा लगता है ये किसका फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यानी कि डी क्यू इनसाइड बाई डी टी का मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट करंट, यही मैंने पुट किया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज आई वन माइनस आई टू, या आई वन करंट आया था, आई टू करंट बाहर गया और बीच में बाकी करंट किसके पास है, कंडक्टर के पास है, तो करंट यहाँ पर कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो यही चीज़ हम प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका बताने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस का ये टॉपिक है कि अगर आप पूरा टॉपिक ये बता रहे हैं कि अगर आप कंडक्शन करंट के साथ डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो फिर तो करंट कॉन्टिन्यूस बोलना है, और अदरवाइज फिर कॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक।